इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा वो लुक्स की बात कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपको टीजेएमएम के बाद जब आप मुझसे जब विदा हुए थे हम भाई बोल के तो बहुत ही क्यूट सा आदमी भेजा था उसके बाद <laughs> जब मैं प्रमोशन से वापस मिला मैंने कहा क्या क्या कर लिया आपने अपने आप तो ऐसे राह के साथ भी हुआ कि उसने एकदम देखा कि पापा क्या बस ही पैदा हुई थी जिस दिन मैं फिल्म शुरू कर रहा यू नो सो इट वॉज सच अर्ड एक्सपीरियंस वॉज बॉर्न अ वीक लेटर आई स्टार्ट द इंटरवल फाइट बट यू नो आई वो बी से दिस की आपकी करियर में ऑफकोर्स दे मत सीनियर टूमी सु

लुक्स इन फिल्म वो एक्टर के लिए एक, एक सपना होता है यू नो एंड आई हैिटी बट आई फील की दिस फिल्म वाज एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ़ पीपल वर्किंग ऑन द फिल्म और ये ऐसे निकल गए बट लुक्स में जो मेहनत करनी थी उसके लिए वो कभी कभी इरिटेटिंग हुआ कि नहीं जैसे मैंने कहा था कि जब इंस्पायर इंस्पायर्ड हो देन इरीटेट नहीं होता जैसे जब मैं शमशेरा कर रहा था मैं कितना उसके बारे में बोलता था क्योंकि मैंने एक फेक दाढ़ी लगाई थी जब आप फेक दाढ़ी लगाते हो तो मतलब यू नो ये सो इरिटेटेड विद इट ही टू टेल मी कि मैंने लाइफ में कभी मैं फेक दाढ़ी नहीं ली फिल्म जब, जब आई जब मेरे पास जो ऑफर हुई थी मैं बता रहा हूँ आपको तो संदीप डन हो गया सब कुछ हो गया पैसे वैसे आ गए <laughs> <laughs> बताइए <ये> फिर <laughs> तो उसके बाद देन हम लोग लुक्स के बारे में आते थे तो ही हैड द बेस्ट पीपल टू कम विद द विग्स एंड द लुक एंड द दाड़ी एंड ऑल थिंग कि जब तू यंग होगा तो तेरे को ऐसा फिर ये फिफ्टी लग देस सिक्सटी लग देस सिक्सटी सेवन सो बिकॉज इट्स फ्रॉम फोर्टी टू टू सिक्सटी सेवन करेक्ट तो मैंने फर्स्ट कंडीशन बोला कोई नई वेक पहनूंगा ना कोई नकली दाढ़ी लगाऊंगा ना कोई सफेद नकली करने वाला सब नैचुरल सब नैचुरल थिंक बट आई विल डू वट इज़ गुड फॉर द फिल्म एंड फॉर द रोल आई नो अल्टीमेटली वो फेक लगेगा ख़राब लगेगा वाई बॉबी इज़ लुकिंग सो फिनल

शूट करके कैसा लग रहा था कि घर जा कैसा लगता था क्योंकि मैं आपसे प्रमोशन में मिला था हमारी मूवी के जिसमें तो आपने आके बोला था कि भाई थोड़ा टाइम लगता है वहां से निकलने के बाद सोचने में कि क्या हुआ है तो वो कैसा लगा और दूसरा कि जो गन्स या या थे आपको आप पे? पहले का सवाल है, great, uh, तो वो ना हिंदी बात करते थे ना इंग्लिश बात करते थे तो कुछ डायरेक्शन उनसे मिलता नहीं था बट आई थिंक जो पूरा हमारा यूनिट था वो इतना कनेक्ट हो चुका था कि वी जस्ट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इच अदर अफकोर्स बहुत सारे रिहर्सल टाइम हमने दिए

जो हमारे डायरेक्टर है संदीप आई थिंक ही वेरी अर्ली बिकॉज ही इज सच ए बिग लवर ऑफ सिनेमा की जो एक्शन होता है ना हम ज्यादातर क्या करते हैं कि अच्छा ये एक्शन की यहाँ जगह है एक्शन पीस का तो हम एक्शन डायरेक्टर को बोलते कि यहाँ कुछ कम्पोज कर दे बट आई थिंक जो संदीप करता है ही राइट्स स्टोरी विद इन दी एक्शन सीक्वेंस जैसेव्यूल सीक्वेंस है उसका एक ग्राफ है जो क्लाइमैक्स फाइट है उसमें भी जैसे जिस तरीके से उन्होंने बीपरा का गाना यूज किया आई थिंक दैट्स वेरी नॉवल सो जब ऑडियंस देख रही फिल्म देख रही है तो उनको इस बात का मजा आ रहा है कि ये टिपिकल एक्शन पिक्चर नहीं है यू you नो know, हर 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 मोमेंट पे एक ओरिजिनलिटी है एक, एक, एक कुछ नयापन है आई नो बिकॉज मैंने जब मैं पहली बार मिला था संदीप से तो जब उसने मुझे पूरे सुनाया ये पूरे फाइट सीक्वेंस और उस एक, एक रोमांटिक गाना चलेगा तेरे और रणबीर के बीच में सॉन्ग

या ये तो मेरे स्क्रिप्ट से बाहर था सर <laughs> तो 1979 बताया था कि आपने पहली की की पहले की थी इनके पैदा होने के 3 साल पहले यस वही थी ना ठीक है yeah. तो अब huh. तब तो से वो स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से बोल सकते हैं अदरवाइज तो नहीं बोल सकते आपने किया बट आपका क्या टेक था कि आपको ये फादर करना रिलेशनशिप विद विद रणबीर व्हिच I didn't see it uh, the way I saw the way Dabu and Chim, uh, and uh, uncle and all their relationship, but uh, I know the kind of which we discussed uh, me and uh, Ranbir, kind of bond they used to the bond, say. you know, kind of relationship they had. So all these things, I think, somewhere there was, it was very rich uh, and very wet for me internally, for me to uh, do this role and to do this film with Ranbir. So it was like a full circle, you know, kind of a circle. And then my relationship with my my son, which is also very, uh, you know, uh, dynamic and very uh, different. And we're like more like friends, but there's less communication in a way. Because he's completely opposite to the way I am. Like I'm a people's person. I am slightly extrovertish. He's very introvertish. The way Ranbir is, you know, to some extent in the film. Because I can't understand him. You know, to a certain extent, he, you know, he's extrovertish and he's slightly explosive when I'm not around. He says even he, the way I, like everybody was talking about how violent he is, but I am equally violent with him.

There's a conflict with your father and son, you know, kind of a thing. But at certain times, it can get very physical also. Sometimes, so you can hold a son, you know, and drag him on, which you've never been seen in, in in the films, you know. And he was very open and very collaborative in that kind of thing. And then Ranbir also was very open and very collaborative about that. And a mark of a very loved film, Bansi, is that a lot of people are saying that.

Ke, we are just lucky to be part of Sandeep. And then his his instinct yeah. for casting. Yeah. Mm. You yeah, he could have gone to anybody else for Bobby's role. He could have gone anybody for Ranbir's role. He was coming back up, giving a blockbuster. He could have taken anybody for my role. Everybody, anybody would have done it. But he, he was convinced. He's casted Praneet Chopra. He's casted Shakti Kapoor. He's casted Suresh Shobro. And they are look at their faces, yeah.

15 days work, which he's giving me, yeah. is actually of a guy who's also not really an antagonist. Yeah. You know, he. Everybody has this. Everybody has a story. Yeah. My father, grandfather died. I lost my voice. I love my family, and I'm a romantic. I have three wives. <laughs> you <laughs> know, all actually, there's a negative streak in everyone. Yeah. Yeah. Everybody, everybody was, was negative everyone. and positive. Ah, uh -huh. That's life. That's life. But everybody was loving the negative side also, because the portrayal is When he's ज अल्दी कॉन्वर्जेशन दटक्सिकटीच इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज सिनेमा एटलीस्ट दर्जेशन अगर कुछ गलत है अगर आप दिखाओगे नहीं कि गलत है ये जो हम कैरेक्टर्स पोट्रे करें जो किरदार प्ले कर रहे हैं दोज आर कैरेक्टर्स सो इज वेरी इम्पोर्टेंट कि एज एक्टर्स वी हैव एम्पी फॉर देम क्योंकि हमें वो प्ले करना है बट एज एन ऑडियंस देन आप डिसाइड करो ना कि नहीं ये गलत है You can make a film on a galat person and it should be made. If you, if you don't make a film on them, society will never improve itself. I mean, storytelling is how do you write a story? It's, a, it's the reflection of the society. I mean, it's showing you what's happening in the society. Hmm. And there are so many things we don't, we don't want to talk about. But we actors, we're just getting an opportunity to play different characters. That's the fun of being an actor. And the characters got what they deserved. You know, he got what he deserved in the end, I got what he deserved, he got what what he deserved. So, yeah. well, it's character play. Rahe, wo

जब फिल्म नहीं चलती कुछ नहीं चलता आपने कितनी भी एक्टिंग की हो कितनी अच्छी एक्टिंग की हो वो आप बेकार बहुत फिल्में की है फर्स्ट फ्रेम टू तो लास्ट फ्रेम <laughs> फिल्म चलती है सब चलता है सर फर्स्ट फ्रेम से लास्ट फ्रेम है बट वो लास्ट फ्रेम के बाद स्क्रीनिंग के बाद कुछ लोग भूल जाते हैं करेक्ट जबरदस्त काम किया था पर चली नहीं <laughs> वो पार्टी पे कोई मिलेगा ही नहीं साउंड ट्रैक के ऊपर मुझे

एक फैमिली क्राइम ड्रामा के लिए सात सुपरहिट गाने देना इज सच अ हार्ड थिंग हर गाना हर बैकग्राउंड पीस शूटिंग के पहले रेडी था हम जो भी सीन कर रहे थे भी मैंने हाँ इंटरव्यू ये कहा कि सारे सीन्स के थे, अगर हम फाइट कर रहे ऐसे नहीं कि गाना लिपसिंग नहीं है तो ही रिकॉर्डेडेड बट एवरी पीस इज द द्री और ट्वेंटी मिनट पे जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हुआ है वो रेडी था शूटिंग के पहले

बट अभी बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ पार्ट वन आई थिंक ही हैज द कॉन्फिडेंस एंड करेज टू गो इवन डार्कर एंड डीपर एंड कॉम्प्लेक्स नो यू कैन डू एनी थिंग एक क्वेश्चन uh, मुझे नेटफ्लिक्स ने पूछने के लिए बोला है जो आपको टाइम uh, लेना आराम से आप सोच के बोल सकते हैं बिकॉज मैं सारे क्लास के नाम लूंगा आपको ये बताने की वो कौन सा एनिमल okay. आप ही तो शुरू करते सर रणवीर रणवीर एनिमल हाँ जी I always saw this film. If I can sir, answer sir. is that we like <laughs> the 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 Balbir Singh family are elephants, because uh, elephants always roam with their family, they never alone. सबका एक बार मैं नहीं बताना ऐसे फिर बाबूलाल मैं कैसे पूछूँगा। Elephant. Okay, Bobby sir. हाँ? Huh? Elephant. Bobby, Bobby <laughs> sir. No? Bobby sir is like a gorilla. You know like a <laughs> mad gorilla. That's what like he was a gorilla. Yes. Rushmika. Rushmika. He is so beautiful. Yeah. yeah. So like like a deer. Deer. Yeah, deer. Yeah, 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 yeah. Deer. Yeah. 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 very Yeah. 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 Yeah.